श्रीकाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो एक्साइटेड 11 फरवरी फाइनली. यस, वेरी एक्साइटेड. एंड अभी एक घंटे में हमारा सॉन्ग भी आने वाला है. Oh, I guess you guys were waiting from so long. Right, मतलब हमने तो शूट ही कंप्लीट बड़ी मुश्किल से किया है और उसके बाद रिलीज पे भी काफी सारे चैलेंजेस थे एंड फाइनली द डे इज हियर. Okay, so I have heard कि ये फिल्म जो है उसे भी लॉकडाउन में ही किया गया है शूट सारा, right? Yes, exactly. बड़ी मतलब यहाँ लॉकडाउन के ऊपर फिल्म है, देन लॉकडाउन में इसे शूट किया गया, उसके बाद दो लॉकडाउन भी आ चुकी है, सो फाइनली आपकी ये फिल्म आ रही है. सो जब आपने लॉकडाउन में इस फिल्म को शूट किया, सो कौन सी डिफिकल्टीज तब आई थी आपको? मेजर डिफिकल्टीज आई थी आई वुड से, मतलब अभी तक ऐसा मैंने शूट कभी नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक लॉकडाउन भी नहीं लगा था. मैं जब पंजाब गई थी शूट करने के लिए तो हमने 2 दिन शूट किया एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगी कि रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई होना एंड मुझे 1 महीने का आइसोलेट होना पड़ा होटल रूम में. तो मैं 1 महीने होटल रूम में ही थी जिसमें हम शूट नहीं कर पा रहे थे. मैं चंडीगढ़ में थी एंड पूरी होटल के स्टाफ, हर कोई मेरा फैमिली जैसा हो गया था एकदम. फिर वो 1 महीने के बाद हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया अपना शूट. तो एक वो प्रॉब्लम थी. उसके बाद जब भी मैं डबिंग पे भी हम लोग हाय उसके बाद डबिंग पे भी जब मैं जाती थी तो भी ऑब्वियसली मतलब कोविड वगैरह के टाइम पे ट्रैवलिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम होती थी. अगर हमारा कोई चंक वर्क भी रह गया है जो बॉम्बे में भी शूट हुआ है उसका, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती थी. ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस थी सारी, तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, शूट में प्रॉब्लम हो रही थी, बबल के अंदर करना पड़ रहा था. फिर उसके बाद क्योंकि कोविड था, सिनेमा हॉल बंद थे, सारी ये सब चीजें थी. बट अब फाइनली रिलीज हो रहा है, सो हैप्पी अबाउट इट. ओके, सो आपने इससे पहले भी एक पंजाबी फिल्म की हुई है, दैट इज तेरी मेरी जोड़ी एंड नाउ जलवायु इनक्लेव. सो इन दोनों फिल्म्स में ऑफ कोर्स जमीन आसमान का अंतर है, शूट जब किया उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो सबसे ज्यादा मजा कौन सी फिल्म करने में आया? अब तो सारे प्रोजेक्ट्स आई थिंक मतलब सारे प्रोजेक्ट्स में मजा आता है क्योंकि मुझे एक्टिंग ही अच्छी लगती है, मुझे मेरा काम पसंद है, तो मुझे सब में आया मजा. बट जलवायु में ये हुआ कि जब हमने शूट करना स्टार्ट किया वो 1 मंथ के बाद, तो करते करते समझ आ गया कि ये बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं. मतलब करते करते भी पता चला कि हम कितने पानी में हैं, तो करते करते इंटरेस्टिंग लग गया और ज्यादा. और एक तो हमारी मेथड एक्टिंग हो गई अपने आप ही क्योंकि हर जगह लॉकडाउन था और लॉकडाउन की कहानी हम शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत सही था. मुझे लगता है वो बहुत रियलिस्टिक था. Yeah. I guess, ये कोई मतलब नया नहीं होगा कि आप पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. इससे पहले आप पंजाबी सॉन्ग्स भी कर चुके हो, आपने मॉडलिंग की हुई है पंजाबी सॉन्ग्स में. सो मूवीज और सॉन्ग्स? बोथ आई वुड से, बट हाँ मूवीज ज्यादा क्योंकि मैं एक्टर हूँ और ज्यादा करने को मिलता है मूवीज में, डायलॉग्स होते हैं और अपना पूरा टैलेंट दिखाने को मिलता है एंड मजा आता है मूवीज में ज्यादा. सॉन्ग्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ द सॉन्ग. या कैसे काम होता है, देन मूवीज में एकदम बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया जब काम करते हैं. बिकॉज वी हैव हर्ड सो मेनी टीवी एक्टर्स आर सेइंग कि हाँ टीवी में ज्यादा काम होता है, टीवी में ज्यादा शेड्यूल टाइट होता है, बट वही आप मूवीज में आए तो वहां पे एक शेड्यूल हमारा जस्ट एक कहते हैं ना कि एक फिक्स्ड होता है. सो टीवी की तरफ से आके आप मूवीज में आए हो, सो ये जो आपकी जर्नी रही है ये ज्यादा डिफिकल्ट रही है कि आपके लिए थोड़ा आसान रहा है इस जर्नी को पूरा तय करना? एक्चुअली वैसे तो इजी रहा है अगर मैं वैसे बोलूँ तो, क्योंकि ऑब्वियसली सीरियल में आई थिंक अब थोड़े सीरियल के आज थोड़े कम हो गए थोड़े. जैसे पहले तो कभी कभी 18-18 घंटे भी होता था, कभी कभी घर जाने का मौका नहीं मिलता था. पर ही आप रहो, यू हैव योर वैनिटी एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर, यू हैव टू जस्ट बी देयर बिकॉज एनी वे आपको 4 घंटे की नींद मिलनी है. तो हिसाब से तो मूवीज आर वे मोर इजियर देन सीरियल्स, शेड्यूल एंड ऑल इज वेरी वेरी गुड. बट ऐसा कुछ नहीं है, सब मैटर करता है. मतलब अगर आपका फिल्म में भी अगर आपके पास लिमिटेड बजट हो, और बजट भी नहीं, इनफैक्ट अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज हो, किसी एक्टर के डेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब
वाइंड अप करना है तो वो भी वही वाली बात हो जाती है. तो इट्स फाइन, मतलब अगर आप इफ यू लव योर वर्क देन इट इज गोना बी ऑल ओके, इट्स गोना बी ऑल एक्साइटिंग. Yeah, so let me take few questions. एक question आया हुआ है कि मोनिका जी आप बठिंडा आए हो कभी? बठिंडा नहीं, मैं बठिंडा नहीं आई. Okay, पंजाब में अभी तक वैसे, पंजाब में वैसे अभी आप कहाँ कहाँ मतलब जा चुके हो, कौन कौन से सिटीज में जा चुके हो पंजाब की? Right, मैं आभा गई हूँ. इनफैक्ट पहली बार जब चंडीगढ़, तो खैर मैं आती जाती रहती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से. मेरे काफी सारे रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं चंडीगढ़ में, और मैं नाभा गई हूँ चंडीगढ़ के अलावा, पटियाला गई हूँ मैं, और आई थिंक यही दोनों जगहों पर गई हूँ मेजरली. तो आपको पंजाबी इंडस्ट्री में भी अब थोड़ा तो टाइम हो ही चुका है, चाहे आपकी दूसरी फिल्म है, सो आपने ट्राई नहीं किया कि आप पंजाबी को भी ज्यादा से ज्यादा सीखो? मुझे आती है पंजाबी बोलनी, लेकिन पता है होता क्या है. मतलब मैं और भी बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि जब अगल बगल जब सारे एकदम पंजाबी हो तो थोड़ा इंसान कॉन्शियस हो जाता है, ये लगता है कि सामने वाला जज करेगा. बट अदरवाइज अगर आप मुझे बॉम्बे भी बुलवाओगे, दिल्ली भी बुलवाओगे, तो आई एम अ प्रो इन दैट. ओके, सो अगर मैं आपको थोड़ा मतलब, चलो ठीक है, आपको पंजाबी थोड़ी सी तो आती है ना? जी ठीक है. सो अगर मैं आपको दो तीन वर्ड्स बोलूं ठेठ पंजाबी के, और अगर आपको उसको मतलब एक फिल इन करना हो, कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, देन मैं आपको एक वर्ड देती हूँ और आप उस वर्ड को एक स्टेटमेंट में फिक्स करोगे. ओके डन? ठीक है. सो पहला वर्ड आई विल गिव इट टू यू, चोपर. ये ठेठ है ना? या इट्स वेरी ठेठ, दैट्स व्हाई. इजी, चलो इजी दे देती हूँ आपको. क्या दूं मैं आपको, चलो आप इतना दो वर्ड देती हूँ, इधर आ. नाउ इसमें एक आप सेंटेंस में डालो, इधर आ. चल इधर आ, इधर आ, ये तो अपने आप में ही सेंटेंस है. इधर आ, इत्थे आ, इधर इधर कर लो ना, मतलब लाइक एक सेंटेंस. चलो रुको मैं आपको एक वर्ड देती हूँ जो बहुत सिंपल हो. वेट लेट मी, अब मुझे ऐसे करके किधर है कोई चोपर. चोपर का मतलब होता है कैट. कैट तो आप समझते हो ना, अब कैट तो एक सेंटेंस में. ओह या अब कैट तो आप एक सेंटेंस में डालो. I'm saying तो कुड़ी बड़ी कैट है, मतलब क्या या तो कुड़ी बड़ी कैट है. या इट्स नाइस. बुहा, बुहा वे बारियां. बुहा, बुहा इज दरवाजा. बुहा इज दरवाजा. यस. ये तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ बट वो पंजाबी नहीं होगा. अच्छा ठीक है, अब जलवायु इनक्लेव वैसे 11 फरवरी को आ रही है, ये आप पंजाबी में जरूर प्रमोट करो और ये पंजाबी में ही प्रमोट करना बनता है. ਸਸਰੇਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਲਵਾ ਇਨਕਲੇਵ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ. Yeah, it's great. So, Gurjais के साथ आपने इस फिल्म में काम किया है, so, Gurjais के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ऑन स्क्रीन तो चलो हम देख ही लेंगे कि कैसे कैसा आपकी मतलब कैसी आपकी केमिस्ट्री रही होगी, बट ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री रही है? ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी रही है, और शुरू में मुझे लग रहा था कि मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा तो जब वर्कशॉप में थे तो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल, मेरे सर के ऊपर से था, बट मुझे मजा आया क्योंकि उसने धीरे धीरे काफी सिखाया मुझे, काफी चीजें सिखा दी, पंजाबी सिखा दी. इनफैक्ट लेकिन हम लोग क्योंकि धीरे धीरे बात भी करते और अच्छा है वो, आई मीन वैसे भी यानी पंजाबियों का दिल बड़ा होता है तो उसका भी. या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था कि यू हैव डन अ फ्यू पंजाबी प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि आपको पंजाबी कैसे लगते हैं, कि आपने जितना अभी तक देखा है तो पंजाबियों के बारे में आपको कौन सी अच्छी बात लगती है और कौन सी थोड़ी अटपटी बात लगती है? पंजाबियों के बारे में, वेल मेरे घर में आधे से ज्यादा लोग पंजाबी हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी भी एक पंजाबी से हुई, तो मेरे जीजा भी पंजाबी है, मुझे पता है, एंड दे आर वेरी वार्म.
वेरी वेलकम, इट इज वेरी नाइस. वो कुछ अलग नहीं है दिल्ली से, दिल्ली का भी अच्छा, दिल्ली वाले भी थोड़े ऐसे होते हैं तो फन लविंग होते हैं, मस्त होते हैं, तो पियो ऐश करो, मतलब जो है आज है इस टाइप के होते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई रियली एप्रिशिएट. और अटपटी बात तो मुझे कैसे कुछ नहीं लगी, सो फार सो गुड, सो गुड सो फार. वेरी नाइस. सो आगे एक मैंने आपका पोस्ट भी देखा था कि आप एक तेलुगु मूवी भी करने जा रहे थे, सो उसका क्या स्टेटस है अब तक के? एक्चुअली उसको तो टाइम भी हो गया काफी, 2019 की बात है, तो वो उसका मुहूर्त वगैरह हो गया था, बट देन वो मूवी इतनी ज्यादा डिले हो गई कि मुझे फिर बैक आउट करना पड़ा, बिकॉज आई हैड अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो. काफी सारे लोग थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे और बंदा भी है जिसने सफर किया हो, बट मेरे लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था एंड मेरे जैसे और भी लोग था. मुझे बहुत मजा आया बिकॉज बिकॉज एनी विच फेज मेरे को अपनी बहुत पसंद है और मेरे पास काम भी काफी था इनफैक्ट लॉकडाउन, तो ये जो मैंने फिल्म करी है ये लॉकडाउन में की है. इसके अलावा भी एक और प्रोजेक्ट किया था मैंने, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर ही किया था मैंने. ये तो काम की बात हो गई, इसके अलावा घर टाइम काफी अच्छा बीता था क्योंकि मैं ऐसे घर पे रहती हूँ और मेरी फैमिली कभी कभी है, मैं कभी कभी जाती हूँ मिलने. लॉकडाउन का टाइम बहुत अच्छा था कि मैं पूरा टाइम अपने घर वालों के साथ थी और इंटरेस्ट चल रहा था. तो अब आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन से होने वाले हैं? अभी जलवायु के अलावा मैंने एक फिल्म गिफ्ट था हाफिज पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 तो आ चुका है, पार्ट 2 मार्च में आएगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड के अलावा व्हाइट हिल्स की एक फिल्म की है जो भी कंप्लीट हुई है, थोड़ा सा उसका चंक रहता है. एंड एक और है अभी उसकी बात. Okay, so tell me, ki one thing what you like in films and one thing what you dislike while doing films. Films hi, ya kuch bhi. Nahin, films ki pehle baat karte hain. I guess एक होता है ना कि हम जब कोई भी मूवीज यू नो करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा बदलनी होती है कि अगर मूवीज करते हुए ये चीज बदल गई ना तो सेट है लाइफ. और वही हमें एक चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है मूवीज करने में, सो वही मैं जानना चाहती हूँ, स्पेशली स्पेसिफिकली मूवीज. एज सच जो अच्छी चीजें हैं वो ये है, एक्टिंग अच्छी लगती है तो मुझे अलग अलग रोल मिलता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, फटाक से आप काम कर दो एंड देन यू कैन द प्रोजेक्ट्स ऑफ दो, तो कोई लंबा कमिटमेंट नहीं होता. और खटपटी चीज ये हो सकती है, बट चीज में भी हो सकती है, सिर्फ मूवीज नहीं, वो थोड़ा पंचुअल होते हैं आई थिंक, या शायद मैं ओवर पंचुअल हूँ, बिकॉज मेरे लिए ना 5 बजे का मतलब 5 ही बजे होता है, और अगर मैं 5 मिनट लेट हूँ तो मुझे एंजाइटी होती है कि मैं लेट हो रही हूँ, कोई वेट कर रहा है. ये वैसे ये चीज हर जगह है, सिर्फ नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत यही है, अदरवाइज अगर आपके सामने वाला पंक्चुअल ना हो और उसकी वजह से लेट हुआ हो तो तब आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता. हाँ. लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं हर जगह ही टाइम पे पहुंच जाती हूँ, जहाँ नहीं वहाँ पार्टी हो रही है कुछ हो रहा है तो भी मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ, होता है ना. हाँ. थोड़ा जाओ एक घंटा लेट जाओ, मुझे लगता है 5 बजे बोले मतलब सब 5 बजे ही आएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता, बट मुझे फिर भी लगता है कि 5 का 5 ही है, मुझे हर बार लगता है. आप मानोगे हमें 5 बजे लाइव करना, तो मैं करेक्ट 5 बजे थी. ओके, अब एक तो एक तरह से थोड़ा पार्शियल लॉकडाउन में कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, इवन पंजाब में भी कहीं कहीं है. सो इस सिचुएशन में जलवायु इनक्लेव रिलीज हो रही है, सो व्हाट डू यू थिंक कि ये डिसीजन आपको सही लगा है कि हाँ मतलब ऑडियंस थिएटर्स में आएगी, कहीं ना कहीं ये डर है आपको कि यू आर कॉन्फिडेंट कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और ऑडियंस तक वो पहुंच जाएगा? मुझे लगता है सही टाइम है जब ये लोग रिलीज कर रहे हैं हमारी टीम, क्योंकि क्योंकि एक तो अभी लॉकडाउन खत्म ही हुआ है और कहीं कहीं पे चल तो अभी देखते तो पुरानी मेमोरीज रिसरफेस हो जाएंगी, तो उनके लॉकडाउन डेट कर पाएंगे कि अरे हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारी भी लव स्टोरी चालू हुई थी. और कुछ लोग अभी भी चल रहा है लॉकडाउन तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, बाकी
अगर चलना होगा तो चल जाएगा, हमने कर दिया अपना बेस्ट, बाकी ऊपर वाले तो मैं एक्सपेक्ट तो कुछ मतलब करती भी हूँ और नहीं भी करती, इसलिए क्योंकि काम करके छोड़ देना चाहिए, बाकी सामने वाले को भला देखिएगा। So thank you so much, Monica. It was lovely talking to you, and best of luck for your film. Thank you. And हाँ, सारे viewers को thank you so much, हमारे trailer को इतना के लिए और poster का प्यार दे, and I think अभी 5:20 हो गए हैं और 6 बजे हमारी फिल्म का पहला सॉन्ग रिलीज हो रहा है, प्लीज देख। Thank you. Yeah. Okay.